फ्रेंड्स दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारे पास में जो फिश का स्टॉक आया है। जैसा कि आपको पता ही है कि होलसेल आसपास में जो भी कस्टमर आते हैं हमारे पास में, उनको होलसेल भी फिश स्टॉक दिया जाता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि जो हमारे पास में जो यहां पर स्टॉक जो रिटेल के लिए हमने रखा है, वो वाला स्टॉक जो होलसेल में जो हमारे फ्लोरन या अरवाना गप्पी जो जो ऑर्डर होते हैं कस्टमर के, वो डायरेक्टली बाहर के बाहर हम सेल कर देते हैं। जो आज यहाँ पे हम शॉप के लिए हम फिश का स्टॉक आया है दोस्तों, तो आज हम टोटली उस फिश को देखेंगे, फिश के प्राइस को देखेंगे, कौन कौन से फिश आए हैं। हम सब टोटली उस फिश के लिए इंतजार में जो थे अभी तक, कस्टमर के बहुत सारे कस्टमर के कमेंट्स कॉल चालू थे कि फिश का स्टॉक कब आ रहा है। तो दोस्तों आज हमारे पास फिश का स्टॉक आ चुका है, कौन कौन सा फिश आया है इसको अभी देखते हैं दोस्तों। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे पास रेगुलर में, इम्पोर्टेड में, मरीन में या फ्रेश वाटर में कौन कौन से फिशेस है, जो मुझे भी पता नहीं है। अभी हम जैसा आप बॉक्स में देख सकते हैं, किस बॉक्स को हम ओपन करके देखेंगे दोस्तों, और वैसा ये वाले यहाँ पे हम डिवाइडर भी कुछ डिवाइडर किए हैं दोस्तों। इसके अंदर कुछ मुझे ऐसा चांसेस थे कि अरवाना, फ्लोरन, गप्पीज कौन कौन से फिशेस है, तो ये फिशेस कोई एग्रेसिव होते हैं। यहाँ पर मेरे पास में सिर्फ 70 से 100 टैंक में हमारी पूरी टोटली फिश वैरायटी नहीं मेंटेन हो सकती दोस्तों। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर हमारे टैंक को ही छोटा करके डिवाइडर किया है दोस्तों। ये डिवाइडर करने किस टाइप से किया है डिवाइडर, ये मेरे पिछले वीडियो मैंने डाला है दोस्तों, तो उसको भी आप देख के हमारे घर में हमारे टैंक में किस टाइप से डिवाइडर लगा सकते हैं, किस टाइप से लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, ये पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग न्यू फिश का स्टॉक। तो यहाँ पे दोस्तों इस बॉक्स को हम ओपन करेंगे, और ये कहाँ से कैसा आता है, जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों। और आज का जो हमारा स्टॉक है दोस्तों, ये नेल्लोर और चेन्नई का जो स्टॉक मंगाया है, तो यहाँ पे अभी हम इसको देखेंगे फ्रेंड्स। ये कुछ देख पा रहे हैं आप, ये फाइटर फिशेस है, जैसे बेटा फिशेस है। बेटा फिश में मैं थोड़ा सा एक एक फिश आपको थोड़ा सा क्लियर करा दूं। बेटा फिश में दोस्तों क्रीम, चॉकलेटी, मोरपंखी दोस्तों, पर्पल दोस्तों, चॉकलेटी में मल्टी कलर, क्रीम शेड पर्पल कलर। फ्रेंड्स ये वाला हमारा बेटा है, क्रीम प्लस पर्पल। और बेटा फिश में दोस्तों देखेंगे हम यहाँ पर मोरपंख कलर, पर्पल मिक्स दोस्तों। और भी बेटा फिश है, कौन कौन से है ये भी हम बाद में लास्ट में दिखा दूंगा दोस्तों। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं बेटा फिश एकदम रिजनेबल, बहुत ही कम रेट में, जैसा कि होलसेल तो चालू है लेकिन उसके साथ में हम दोस्तों यहाँ पे भी कस्टमर को बहुत ही कम रेट में माल दिया जाता है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये फिश है, कौन सा फिश है इसको ओपन करेंगे दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा छोटा फिश है दिख रहा है, कौन सा फिश मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स जैसा कि बहुत लोगों को इंतजार था इस गप्पी का, यहाँ पर हमारे पास गप्पी फिश अच्छे बड़े साइज में, यहाँ पर फीमेल गप्पी का स्टॉक अभी यहाँ पे हमारे पॉलिथीन में निकल चुका है दोस्तों। और भी देखेंगे हमारे पास कौन कौन से फिशेस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम नेक्स्ट वाली फिशेस देखेंगे, कौन कौन सा फिशेस है हमारे पास में। ये फिश हम देख पा रहे फ्रेंड्स, एक पॉलीथीन, डबल पॉलीथीन होती है इसमें, तो डबल पॉलीथीन में क्लियर नहीं आता है, हमें नजर नहीं आता है, समझ नहीं पाते हम फिश कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं मिल्की कोई कार्प, बड़े साइज का एकदम फ्रेश मिल्की कोई है ये, जिसके अंदर 50-100 आसपास में 25 से मिक्स में रेट होते हैं दोस्तों फिश के हिसाब से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी हम अगला वाला पॉलीथीन ओपन करके देखेंगे दोस्तों। यह है एसके गोल्ड, शॉर्ट बॉडी एसके गोल्ड है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा फिश इसमें डैमेज हो चुका है, ये पार्सल में इसका कंडीशन बराबर नहीं रहने से ये फिश है तो डैमेज हो चुका है। इसमें है कुछ दो चार फिशेस अच्छी है,
ये फिश को हम ट्रीटमेंट करके इसको भी रेडी करेंगे, किस टाइप से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं ये भी मैं अगले वीडियो में बता रहा हूँ दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए दोस्तों। वो एसकी गोल्ड बड़ा था, अभी फिलहाल हम देखेंगे नेक्स्ट पॉलिथीन में हमारे पास में कौन सा फिशेस है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये है तो बिल्कुल एकदम अच्छे कंडीशन में स्ट्रॉन्ग फिशेस है, एकदम बढ़िया एसकी गोल्ड शुभांगी कोई शुभांगी किंग्स। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने देखा उसके बाद अगले बॉक्स में हम देखेंगे फ्रेंड्स कौन से फिशेस है। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ दोस्तों, तो अभी फिश का टेम्परेचर थोड़ा सा लो होने से फिश को भी ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं, तो चलिए अगली हम फिश ओपन करके देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये फिश का, मैं थोड़ा एक पॉलीथिन कम करके दिखा रहा हूँ कौन सी फिशेस है, नजर नहीं आ रही हमें भी क्लियर उसको, दो दो तीन तीन पॉलीथिन है जैसा कि फिश उसको पानी की लीकेज ना हो, फिश कैरी बैग को डैमेज करके फिश बाहर लीकेज होने से पानी से प्रॉब्लम आ जाएगा ये भी। दोस्तों यह है टाइगर शार्क, टाइगर शार्क में 3-4 इंच का 5 इंच का साइज है, और अगली फिश देखेंगे दोस्तों। इसमें भी हम देख सकते हैं कि 4-5 फिश हमारे पास डैमेज होकर आए हैं दोस्तों। ये वाला जो होता है कि टाइगर शार्क ज्यादातर हमें तो ड्रम में मंगाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है सही, लेकिन जैसा पॉलीथिन पे पैक होने के बाद में इस फिश को है तो थोड़ा सा रिक्स होता है दोस्तों, ये भी डैमेज ज्यादा हो सकते हैं। ये देखेंगे हम तो पॉलीथिन में हमारे तो डबल ट्रिपल पॉलीथिन है, उसके लिए इसके अंदर एक पॉलीथिन को निकाल कर मैं तो अभी दिखा दूंगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ टेक्सास फिशेस है जैसा फ्लोरेंस जैसा लुक होता है दोस्तों, बढ़िया एकदम स्ट्रॉबेरी जैसा फिश होता है, यह है टेक्सास। तो दोस्तों नेक्स्ट फिशेस की ओर चलते हैं, अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट फिशेस देखेंगे दोस्तों। यह है गोल्डन, मीडियम साइज की गोल्डन दोस्तों, सबकी चाहिए थी, सबकी फर्स्ट फिश यहाँ पर आ चुकी है। गोल्डन के बाद में देखेंगे और फिश कौन सा है हमारे पास में यहाँ से दोस्तों, यह है शुभांगी दोस्तों, इसके गोल्ड जिसको शुभांगी किंग बोला जाता है, यह है हमारे पास में शुभांगी फिश आ चुकी है, साइज भी अच्छा काफी बड़ा है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे पॉलीथिन में मैं देख पा रहा हूँ ये फिश हमारे पास में कुछ फ्लोरेंट फिश है दोस्तों, शॉर्ट बॉडी वाली, इसको मैं थोड़ा ओपन करके आपको क्लियर नजर आएगा इसलिए पॉलीथिन से बाहर करके दिखा रहा हूँ, शॉर्ट बॉडी फ्लोरेंट। देखिए फ्रेंड्स ये हमारे पास में ऑरेंज कलर के कुछ क्रीम कलर में और बढ़िया दोस्तों एकदम मल्टी कलर में शॉर्ट बॉडी फ्लोरेंट अवेलेबल है। दोस्तों ये जो पैरेट जैसा लुक होता है शॉर्ट बॉडी फ्लोरेंट का, और पैरेट और फ्लोरेंट दोनों को ब्रीडिंग करके इसको बनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों और भी बहुत सारे फिशेस जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास में कौन कौन से आए वाले हैं, तो यहाँ हम देखेंगे फ्रेंड्स बिग साइज के कोई कार्प है ऑरेंज कलर में, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर, बहुत ही फ्रेश कलर है दोस्तों, डार्क कलर में यहाँ पर हमारे पास में एसके गोल्ड फिश आ चुका है। और इसी के साथ में आप बहुत सारे इम्पोर्टेड फिशेस की भी ऑर्डर थे, इम्पोर्टेड फिशेस के साथ में हम देखेंगे फ्रेंड्स ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये है हमारे पास पैरेट फिश, बहुत ही डबल एक्सल बिग साइज में आ चुका है फ्रेंड्स, ये भी आप है तो लेना चाहे तो अच्छे से फिश अच्छा स्ट्रांग है, एक्टिव फिशेस है पैरेट फिश ऑरेंज कलर। तो और भी हमें फ्लोरेंट फिश के ऑर्डर थे दोस्तों, तो फ्लोरेंट में भी कौन सा फिश आया है, पैरेट में भी फिश के येलो कलर के पैरेट के ऑर्डर दिया था मैं, उसमें भी देखेंगे दोस्तों। तो अगले फिश हम यहाँ पे ओपन करने जा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते दोस्तों ऑरेंज कलर का स्मॉल फिश है दोस्तों, वो बड़ा साइज था, ये मीडियम साइज है पैरेट फिश यहाँ पर हमारे पास में आ चुका है, ये भी आप पैरेट फिश को भी अपने टैंक में रखे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा और फिश अच्छा स्ट्रांग है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फिश यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दोस्तों ये टाइगर शार्क है, ब्लैक कलर में टाइगर शार्क दोस्तों, यहाँ पे 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच 7 इंच तक यहाँ पे हमारे पास में मिक्स में टाइगर शार्क फिशेस अवेलेबल है ये भी। चलिए दोस्तों जैसा कि हमारे बॉक्स कंटिन्यू चालू है, ये अभी अनबॉक्सिंग, अभी नेक्स्ट बॉक्स की ओर आते हैं हम। ये अगला बॉक्स हम ओपन करेंगे फ्रेंड्स,
देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से फिशेस है जो कि हमें दोस्तों ये वाले जो फिश के कॉफी काफी एकदम बहुत ही अच्छे है तो पैकेट आ चुके हैं दोस्तों देख सकते हैं हम ये मीडियम साइज का गोल्ड फिशेस है दोस्तों और इसके अंदर कुछ फिशेस एक दस एक फिशेस डैमेज भी हो चुकी है तो दोस्तों इसी के साथ में हमारा अनबॉक्सिंग कंटिन्यू चालू है नेक्स्ट फिश ओपन करने जा रहे हैं हम दोस्तों यहाँ पर फ्लोरन फिश दोस्तों ये फ्लोरन है फुल बॉडी फ्लोरन जैसा हमने इससे पहले शॉर्ट बॉडी फ्लोरन देखा था यहाँ पर ये एकदम बढ़िया एकदम एक्टिव फिशेस है दोस्तों फ्लोरन और हमारे टैंक में रेगुलर जो भी हमारे टैंक होते हैं दोस्तों जैसा कि हमारे पास रेगुलर फिशेस होती है गप्पी मौली वॉली जो कि गोल्डन बाकी सब वेराइटी फिश तो उस फिश ये वाले जो टैंक में हम ये वाले जो फ्लोरन फिश होते हैं नहीं रख सकते इसके लिए मैंने यहाँ पर है दोस्तों कुछ है तो पार्टीशन के सेक्शन करके आपको पिछले वीडियो में बताया दोस्तों किस टाइप से करना है तो इसके अंदर हम तो रेगुलर फिशेस इधर रखेंगे और ये जो हमारी फ्लोरन फिश हम रखना चाहते हैं तो अब हम रख सकते हैं उसको ये साइड में रखेंगे दोस्तों ये है फ्लोरन तो अगली फिश इसी के साथ देख पा रहे दोस्तों यहाँ पे हम इसके गोल्ड एक मीडियम साइज की फिशेस है दोस्तों रेगुलर एकदम मल्टी कलर में इसके अंदर कलर भी बहुत सारे प्यारे प्यारे कलर होते हैं दोस्तों सिल्वर या ऑरेंज कलर है इसके अंदर मल्टी कलर्स है दोस्तों बहुत सारे अभी फिशेस हमारे बाकी है तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट फिश हमारी अगली फिशेस कौन सी है तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत ही ब्यूटीफुल कलर में इम्पोर्टेड गप्पी फिशेस का स्टॉक अभी अवेलेबल है दोस्त ये वाला जो गप्पी फिश होता है जैसा कि हमने इससे पहले पैकेट में पॉलिथीन में देखा था कि हमारे पास फीमेल गप्पी का भी स्टॉक आया है दोस्तों और ये वाला मेल गप्पी है तो जो ब्रीडिंग करना चाहते हैं दोस्तों जैसा मौली फिश का तो सभी को पता है कि मौली फिश की ब्रीडिंग फास्ट होती है उसी टाइप से दोस्तों ज्यादा मेंटेनेंस ना करते हुए हमें तो फीमेल और मेल दोनों गप्पी हमारे पास अवेलेबल है तो इसका भी ब्रीडिंग कर सकते हैं और इसके कलर काफी अच्छे हैं दोस्तों ये अभी आगे जो ब्रीड भी निकलेंगी तो बहुत ही कलरफुल एक्टिव रहेंगी और इसको ज्यादा मेंटेनेंस नहीं होता है दोस्तों हमारे पास में ज्यादा पानी स्टॉक होता है हाउस में इधर पॉन्ड में इधर उधर तो उस पॉन्ड में हम इस गप्पी को डालेंगे दोस्तों तो ऑक्सीजन मशीन लगाए नहीं भी लगाए तो हमारी ये फिश आराम से रह सकती है और उसके अंदर जो मच्छर के जो लार्वा होते हैं मच्छर के जो बच्चे अंडे देते हैं दोस्तों वहां पे तो उस मच्छर को यहाँ पे रोकने का काम भी हमारे गप्पी फिश करते हैं दोस्तों तो ये हम इसको ब्रीडिंग करके हमारे घर में के मच्छर को भगा सकते हैं फिश यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स ये फिश देख सकते हैं कि छोटा साइज का कोई कार्प है जैसा बड़ा कोई कार्प मिल्की कोई कार्प पैरेट बहुत सारे फिशेस हमने देखे यहाँ पर अभी हम देखेंगे दोस्तों 2 से 3 इंच का हमारे पास में कोई फिश कार्प है ये दोस्तों जैसा कि अभी फिलहाल यहाँ पे हमारे पास में जो स्टॉक आया था ये हमने देखा है यहाँ पर और भी अब बहुत सारे फिशेस हैं जो कि वीडियो काफी बड़े होते हैं इसके लिए मैं तो वीडियो को छोटा करने के लिए कम से कम फिशेस को इन्वॉल्व करता हूँ और दोस्तों ये वाले जो फिशेस है रिटेल के लिए होलसेल वाले जो कस्टमर है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने ऑर्डर लगा के मुझे कौन कौन से फिशेस है उसके मैसेज करिए तो आपको फिशेस भी ये तो जो भी फिशेस चाहिए तो उसको ऑर्डर पे भेजी जाएंगी मिल जाएंगी दोस्तों आप आसपास में है तो ले सकते हैं लेकिन बाहर आप है तो बाहर वाले कस्टमर को दूर हमें तो डिलीवरी सप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों फिश का मामला थोड़ा नाजुक होता है आप जितना हो सके तो यहाँ पर आके फिश लेंगे तो बहुत ही कम रेट में रिजनेबल रेट में हमारे फिशेस मिल जाएंगे दोस्तों और अगले फिश का स्टॉक हमारा जो आने वाला है वो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले दोस्तों अगले वीडियो में और मिलेंगे थैंक्स।